लेक्चर हमने वाइंड अप किया था मास्टर क्लासिफिकेशन, हम लोग शुरू करेंगे प्लांट किंगडम। जैसे और 11 ज्यादा बड़ी है कंपैरिजन टू, आइए देखिएगा। और 12th में भी हम लोग घुसेंगे तो सबसे पहले कैसे फोड़ेंगे, जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स के बाद बायोटेक, तब आएगा मजा, उसके बाद कुछ नहीं होता, उसके बाद बहुत हल्का सिलेबस होगा। चलिए प्लांट किंगडम, 2 से 3 सवालों का चैप्टर। कितने प्रतिशत बच्चा ऐसा बैठा है जिसको प्लांट किंगडम ईमानदारी से नॉन कॉन्सेप्चुअल लगता है? लगता है सर बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, जितना हम ह्यूमन फिजियोलॉजी, हम पहले ही हाथों पर कर लिए, जितना हम ह्यूमन फिजियोलॉजी, पूरा सुन लो, जितना हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को सर कंसेप्चुअलाइज कर लेते हैं, प्लांट फिजियो को हम कंसेप्चुलाइज कर ही नहीं पाते ना। प्लांट मतलब बॉटनी को हम समझते हैं कि ये सर मतलब बेसलेस है, बस है तो है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि प्लांट किंगडम कठिन है? ईमानदारी से हाथों पर कर लीजिए, अपने एक्सपीरियंस, मेजॉरिटी कह रहे हैं। अरे तो खड़ी बेटा कहाँ सेंटी नहीं, बीच में तुम नहीं आ रही, ये रो जाती थी, झूठ बोल रही है, बीच में तुम गोला मारी थी, झूठ चरवाहा भेड़ नहीं पहचान पाया। बैठो आइए सुनिएगा मेरी बात। प्लांट किंगडम 2 से 3 क्वेश्चन का चैप्टर है, बेहद कंसेप्चुअल चैप्टर है, हर पल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको लगता है कि प्लांट किंगडम रटने का चैप्टर है तो आप बेहद गलत है। आप गलती क्या कर जाते हैं, प्लांट किंगडम में जो लास्ट पेज है वो है अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। प्लांट की लाइफ साइकिल आप पढ़ते हैं अंत में और आप ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ सब खत्म कर डालते हो, यही आपका प्रॉब्लम, यही आप में दिक्कत हो जाती है। सुनिएगा मेरी बात, आप क्या करते हो, एलिगेटर तो चलो चल जाता है, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, उसके बाद आपका आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद चलता है ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ। जैसे ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन खत्म, मतलब परसों का लेक्चर, समझो प्लांट किंगडम अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट प्लांट किंगडम। अगर हम बात करें आर एच विटेकर की, 1969 आर एच विटेकर ने प्लांट किंगडम में अपना क्लासिफिकेशन किया और उनके क्लासिफिकेशन के तहत टोटल किंगडम कितने थे, 5। पहला रोटिस्टा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और आपका जो प्लांट किंगडम था इसमें सब के सब सारे मेंबर क्या थे, ऑटोट्रॉप, प्योर ऑटोट्रॉपिक किंगडम। अगर पूछा जाए तो प्लांट, प्योर हेटरोट्रॉपिक किंगडम एनिमल, पक्का। और एक और है, कौन, फंजाई, फंजाई और एनिमल, ये दोनों प्योर हेटरोट्रॉपिक हैं और प्लांट आपका प्योर ऑटोट्रॉपिक है। मैंने एक दिन आपको लिखवाया था, याद है ये बात। आइए अब बात करें अगर प्लांट किंगडम की, वक्त के साथ अलग अलग वैज्ञानिक आते रहे। जब लीनियस आए तो लीनियस ने कहा जिनके पास सेल वॉल है वो रखे जाएंगे प्लांट में और जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो रखे जाएंगे एनिमल में। उसके बाद आपके आए हैकल साहब, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, कोपलैंड साहब, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, विटकर साहब, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और कार्ल वूजी, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। हर, सुनो तो मेरी बात, 5 किंगडम तक अगर हम देखें, 2, 3, 4, 5, तो प्लांट सब में कॉमन था, लेकिन वक्त के साथ अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग कैरेक्टर्स को कंसीडर किया। इससे वक्त के साथ हमारी सोच प्लांट किंगडम को लेकर बदलती गई। अगर हम लीनियस के क्लासिफिकेशन को माने तो लीनियस ने 2 ग्रुप बनाए, एक ग्रुप को क्या बोल दिया, प्लांट, और एक ग्रुप को क्या बोल दिया, एनिमल। मान लो इस ग्रुप को उन्होंने बोला था प्लांट और इस ग्रुप को बोला एनिमल, आ जाओ बेटा जल्दी आओ, इस ग्रुप को क्या बोला, एनिमल, ठीक है इधर, इस ग्रुप को प्लांट बोला और इस ग्रुप को एनिमल बोला। अब प्लांट में इनका कहना था जिनके पास सेल वॉल है वो किस में रखे जाएंगे, प्लांट। तो बेटा इस लिहाज से देखा जाए तो बैक्टीरिया किस में रखा जाएगा, प्लांट, बोलो भैया। अच्छा, बैक्टीरिया के साथ साथ आपका ब्लू ग्रीन एल्गी किस में रखी जाएंगी, प्लांट।
पक्का लीनियस के अकॉर्डिंग। आज ब्लू ग्रीन एल्गी आप ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी में नहीं पढ़ते हो, आज आप ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा में यू बैक्टीरिया के अंदर पढ़ते हैं। अभी लास्ट चैप्टर में सिखाया यार, आज ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा के यू बैक्टीरिया में पढ़ते हैं। पहले इसे किसमें रखा गया था? प्लांट। तो आज आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, मोनेरा का मेंबर जैसे बैक्टीरिया हो गया, ये सब किसमें रखे गए थे? प्लांट में। अच्छा लीनियस के अकॉर्डिंग फंजाई किसमें रखे गए हुए? क्यों? सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है? काइटिन। अच्छा सेल वॉल होती है इस वजह से प्लांट में रखा गया कि सेल वॉल काइटिन की होती है इस वजह से? सेल वॉल होने की वजह से फंजाई को किसमें रखा गया? प्लांट। अच्छा आपके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग आपके क्राइसोफाइट के पास सेल वॉल थी, याद आया? अरे सिलिका था डायटम से, तो क्राइसोफाइट किसमें रखे गए होंगे? प्लांट। डाइनोफ्लेजिलेट प्लांट, लेकिन यूगेनॉइड एनिमल। स्लाइम मोल्ड कंफ्यूज, क्योंकि जीवन की एक अवस्था में सेल वॉल है, एक में नहीं है। स्पोर की अवस्था में सेल वॉल है और आपका नॉर्मल अवस्था में नहीं है, इसका मतलब ना उसे आप इधर रख पाओगे ना आप उसको इधर रख पाओगे। प्रोटोजोआ किसमें रखा होगा? इसका मतलब बहुत सारे प्रोटिस्ट, सारे प्रोटिस्ट जैसे कौन कौन? क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लेजिलेट, ये किसमें रखे गए होंगे? प्लांट। आज ब्लू ग्रीन एल्गी प्लांट में ना रख के मोनेरा में रखा गया है, बैक्टीरिया मोनेरा, फंजाई तो स्वयं अपने आप में एक अलग किंगडम बनाए बैठे हुए हैं, और उसके साथ क्राइसोफाइट डाइनोफ्लेजिलेट किसमें रखा गया है? प्रोटिस्ट का। तो बताइए वक्त के साथ हमारी सोच प्लांट किंगडम को लेकर बदलती रही या नहीं? क्यों बदलती रही? अलग अलग वैज्ञानिकों ने कैरेक्टर लिए थे अलग अलग। अब आइए इससे आगे बातें शुरू करते हैं। चलो बेटा परसों से आपका टाइम अपडेट हो रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री के तुरंत बाद बायोलॉजी होगी। पोरवाल सर आज आपको अपडेट करेंगे, ठीक है, या तो पोरवाल सर डालेंगे या तो हम डालेंगे, दोनों में कोई एक ना एक आपको मैसेज करेगा, पर्सनल नहीं करेगा, ठीक है, आपको ग्रुप में मैसेज पड़ जाएगा। उनकी क्लास खत्म होगी, जैसे उनकी वाइंड अप होगी मेरी स्टार्ट हो जाएगी, एकदम क्लियर है? मतलब केमिस्ट्री के तुरंत बाद क्या आ जाएगी? बायो। एकदम क्लियर? बोलो भैया। आओ अब बात करते हैं प्लांट किंगडम में इससे आगे। तुम्हें क्या लगता है? नहीं ऐसे ऐसे मत करो, ये क्या है? ये रहा, इसको लाओ, इसको लाओ, लाओ लाओ, देखें निकल जाओ इन बचपनों से बेटा, गर्मी है तो कुछ स्टैंडर्ड भाई कॉपी से कर लो, है ना, कम से कम उसी बहाने भी आनंद चला आएगा। आए हो गया, आए। अब मेरी बात सुनिएगा, सुनिएगा मेरी बात, इस बार अपन जिस पेस से हैं वो टॉपिक, हर टॉपिक वैसे ही चल रहा है जैसे पहला लेक्चर, वैसे ही आपका आखिरी लेक्चर भी चलेगा जैसे पहला, पर इस बार की पेस पिछले साल से हम 60 दिन आगे चल रहे हैं। लास्ट टाइम इस समय ह्यूमन फिजियोलॉजी का बॉडी फ्लूइड एंड तो लिखाता था ना, डेट डालता था, इस समय क्या चल रहा था? बॉडी फ्लूइड की लास्ट क्लास होती थी, हाँ, तो आज के दिन बॉडी फ्लूइड की लास्ट क्लास, मतलब ह्यूमन फिजियो शुरू हुई थी, और अभी हम लोग कहाँ पर हैं? प्लांट किंगडम, और रक्षाबंधन तक अपन एनाटॉमी डाक रहे होंगे, ये कोई खुश होने की बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पुराना सब छोड़ दें, जो हो गया वो हो नहीं गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, बीच बीच में बैचेस लगा के एक एक दिन में 5-5 चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, उससे क्या हो जाएगा, अपन का पुराना क्या आ जाएगा, ग्रिप में, समझ गया बात को? क्योंकि जिस समय हम पढ़ते हैं उस समय तो हम एकदम तैयार हो जाता है, फिर अगर हम उसे इसीलिए बीच बीच में पेपर ठूंस देता हूँ मैं, ताकि इसी बहाने तुम पढ़ लोगे, क्योंकि होमवर्क देंगे वो तो तुम करने से, हाँ कोमल गुप्ता तुम कर सकती हो। आओ हो गया, तुम्हें क्या लगता है क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन सिस्टम, आप मानते हो ये एक बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मैंने किसी चीज़ को क्लासीफाई कर दिया कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर, ये कोई वैज्ञानिक थे, इनका नाम है डॉक्टर मोटू, तो डॉक्टर मोटू ने
इंसान के मतलब जानवरों के ढेर सारे कैरेक्टर ले लिए, कोई वैज्ञानिक लिए किसी ने कोई और कैरेक्टर लिया, कोई वैज्ञानिक थे उसने किसी और कैरेक्टर लिया, ऐसे हजारों क्लासिफिकेशन आए हजारों। तुमको मेन मेन का नाम सुने हो, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, लीनियस, हैकल, कोपलैंड, आरएच विटकर, कार्ल गूसी, आप तो मेन मेन के नाम लेते हो। ये तो एकदम मेन मेन वाले हैं जो फेमस हो गए, बाकी क्लासिफिकेशन इतने हुए कि तुम सोच नहीं सकते हो, इतने क्लासिफिकेशन हुए। हजारों क्लासिफिकेशन को हम अध्ययन कैसे करें? हजारों क्लासिफिकेशन का अध्ययन करना मुश्किल कार्य है कि सर? मुश्किल। वैज्ञानिक हैरान और परेशान, कह रहे यार कोई ऐसा सिस्टम निकालो, कोई ऐसा तरीका निकालो जिससे हम हजारों क्लासिफिकेशन को बड़ी आसानी से समझ जाए कि किस वैज्ञानिक ने कौन से कैरेक्टर लिए थे। अब हजारों वैज्ञानिक हैं यार, हजारों ने हजारों क्लासिफिकेशन दिया, मुझे कब तक याद रहेगा कि किस वैज्ञानिक ने क्या क्लासिफिकेशन दिया? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक सिस्टम निकाला और उस सिस्टम को कहा क्लासिफिकेशन करने का सिस्टम, दैट इज क्लासिफिकेशन सिस्टम। और कि हजारों क्लासिफिकेशन को हम तीन कैटेगरीज में रखेंगे, चौथी कोई कैटेगरी नहीं। या तो वो क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाएगा वेजिटेटिव, क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव। या तो वो क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाएगा नेचुरल, जैसे सॉरी, या तो वो क्लासिफिकेशन सिस्टम के लोग प्लांट के केस में वेजिटेटिव बोल देते हैं, वो भी गलत नहीं। या तो वो क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाएगा आर्टिफिशियल, या तो क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाएगा नेचुरल, या तो वो क्लासिफिकेशन सिस्टम आपका कहलाएगा फाइलोजेनेटिक। आपको मैंने पहले भी बताया था सबसे डेवलप्ड कौन वाला माना जाएगा? फाइलोजेनेटिक, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अच्छा, कभी मन में सवाल नहीं आया कि दिमाग में सेट हो गई सर फाइलोजेनेटिक को हम इतनी प्रायोरिटी दे रहे क्यों है? मेरे भाई, अगर आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कर रहे हो ना तो ये सब उसमें लपेट जाएगा। पूछो कैसे? मान लो मेरे लक्षण, मान लो हम और बंदर एक ग्रुप में रखे गए, इसका मतलब हमारा एंसेस्टर कौन होगा? कॉमन, सेम। अरे ये नहीं कि हमारे माई बाप कॉमन होंगे, माई बाप नहीं बेटा, बहुत दूर के एंसेस्टर, मुंह से निकाला था, दूर के एंसेस्टर हमारे क्या रहे होंगे? सेम एंसेस्टर, सेम मतलब लक्षण, सेम एंसेस्टर, सेम मतलब लक्षण, सेम। और आर्टिफिशियल नेचुरल में क्या देखे गए हैं? लक्षण। तो जब आप फाइलोजेनेटिक देखते हो तो लक्षण तो आपके ऑटोमेटिक आ गए। अगर मैंने कहा कि हम शेर, कैमल, चमगादड़, ये सब एक ग्रुप में रखे गए, मतलब हमारे लक्षण आपस में मैच कर रहे हैं। तो जब आप फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देख रहे हो तो एक्चुअली में फाइलोजेनेटिक के साथ साथ ये दोनों तो उसी में घुसते हैं ना। नहीं समझ पाए हमारी बात? भाई अगर मैंने 10 स्पीसीज को एक ग्रुप में रखा है, एक ग्रुप में रखा होगा, इसका मतलब क्या है? कुछ भाई सारे लक्षण तो सेम नहीं हो सकते, पर उनके कुछ लक्षण तो क्या होंगे? सेम। जो उस ग्रुप का लक्षण होगा तभी उस ग्रुप में रखा गया। अब अगर कोई एक ग्रुप में रखा गया तो आप कहते हो सर इनके एंसेस्टर क्या हुए? कॉमन। तो आप यहां कौन सा रिलेशनशिप देख रहे हो? फाइलोजेनेटिक। और फाइलोजेनेटिक जो आप देख रहे हो एक्चुअली वो उसमें दोनों लपेट गए, आर्टिफिशियल भी और नेचुरल भी। समझना, सबसे पहले शुरुआती क्लासिफिकेशन जितने भी थे सब आर्टिफिशियल में चले गए मैक्सिमम। अब आर्टिफिशियल में क्या क्या देखते थे सुनते जाना। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बिल्कुल दो कौड़ी का क्लासिफिकेशन सिस्टम था, लेकिन जब शुरुआती, देखो कोई भी चीज दो कौड़ी की नहीं होती। आज हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल दो कौड़ी का है, जिसने पहली बार किया होगा उससे पूछ लो क्या बीती होगी। आज अगर हम कहेंगे फोन बनाना मुश्किल काम है कि आसान, हम कहेंगे फोन बनाने में क्या है सर, 2 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है, कर लो फोन बनाना सीख जाओ, पहली बार बना के दिखाओ तब हम मान जाएं कि फोन बनाना कुछ नहीं होता। तो भैया लेकिन आपके लिए मुझे लग रहा है कि फोन बनाना भी बड़ी बात है, इसीलिए आप लोग एकदम चुप बैठे हो। अच्छा, टायर बनाना कोई मुश्किल काम है? पर पहली बार जिसने सोचा होगा वो बहुत बड़ी बात थी। समझना मेरी बात, पहली बार किसने कोई स्टिमुलस आ गया, कोई कीड़ा काट लिया, स्टिमुलस है, पूछो क्यों? देखो काट लिया, मच्छर नहीं था, मच्छर नहीं थी,
क्योंकि इसने मेरी बॉडी की होम्योस्टेसिस को क्या किया, डिस्टर्ब। और कोई भी चीज जो मेरी बॉडी की होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करेगा वो क्या कहलाएगा, स्टिमुलस। रिस्पॉन्स आ तो रहा है, अब इधर आओ। अगर एक बार खजुलाए तो नॉर्मल, बिना बार खजुलाए तो एलर्जी है। हाइपर सेंसिटिविटी टू एनीथिंग इज एलर्जी। आर्टिफिशियल में उन वैज्ञानिकों का क्लासिफिकेशन रखा गया जिन वैज्ञानिकों का क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक या दो कैरेक्टर थे, वो भी मॉर्फोलॉजिकल, ऊपर ऊपर वाले कैरेक्टर लिए। मैं भाई प्लांट किंगडम पढ़ रहा हूं, इस वजह से मैं एनिमल की तरफ नहीं बढ़ूंगा। और प्लांट किंगडम में भी अकॉर्डिंग टू नीट का सिलेबस, ना आपको एल्गी डिटेल में पढ़ना है, ना ब्रायो डिटेल में पढ़ना है, ना टेरिडो, ना जिम्नो, सिर्फ एनजीओ। एनजीओ ही हम डिटेल में पढ़ते हैं, बोलो हम नहीं मानते। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो सारा फोकस किस पे है, फ्लावरिंग प्लांट। समझ पाए हमारी बात? तो यहां पर भी हम क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझाएंगे आपको, लेकिन एंजियोस्पर्म के रेफरेंस में समझाएंगे। यहां सिर्फ किसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, एंजियोस्पर्म। वो वैज्ञानिक जिन्होंने एंजियोस्पर्म प्लांट के मात्र मोटे मोटे ऊपर के एक दो कैरेक्टर लिए, एक दो कैरेक्टर मात्र, जैसे याद करो एरिस्टोटल ने ट्री, श्रब और हर्ब में बांटा था, याद आया? Yes, उसने क्या किया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया था उससे। अगर एक आध कैरेक्टर आप लेते हो तो आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम किसमें गिरेगा, आर्टिफिशियल। बोलो यार। तो आर्टिफिशियल में या तो आप ऊपर, आपको एक शब्द सिखा रहा हूं सुनना, प्लांट रूट को, स्टेम को और लीफ को। रूट, स्टेम, लीफ संबंधित अगर आप कोई भी चीज देखते हैं, आगे आप पढ़ोगे दो चैप्टर छोड़कर मॉर्फोलॉजी में कि रूट तीन प्रकार की, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। लीफ भी आप पढ़ोगे तो वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, आगे आएगा, परेशान ना हो। फिर लीफ के अरेंजमेंट पे पढ़ोगे अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, होल्ड फाइलोटैक्सी और अपोजिट फाइलोटैक्सी। फिर टाइप ऑफ लीफ में पढ़ोगे सिंपल लीफ या कंपाउंड लीफ। फिर कंपाउंड में भी पढ़ोगे पिनेटी कंपाउंड या पामेटी कंपाउंड। तो अगर आप प्लांट का वेजिटेटिव कैरेक्टर ले रहे हैं, रूट, स्टेम और लीफ, वो भी ऊपर ऊपर, तो आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम किसमें जाएगा, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में एक आध वेजिटेटिव कैरेक्टर ले लिए जाते थे और उसी हिसाब से वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया था, क्लासिफाई। तो आर्टिफिशियल में हम प्लांट के वेजिटेटिव कैरेक्टर लेंगे या लीनियस। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर लिया था कि एंड्रोशियम तो पता होगा, मेल सेक्स ऑर्गन के घेरे को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की संरचना कैसी है, अर्थात एंड्रोशियम मोनोथिकस है कि डाइथिकस है, उसमें स्टैमेन का अरेंजमेंट कैसा है, ये सारी बातें आगे डिटेल में आएंगी। तो अगर कोई वैज्ञानिक, क्लासिफिकेशन एकाध है कि हजारों, ये भी बता रहे हैं जब, लेकिन हजारों को हमने क्या किया, हमने कह दिया कोई वैज्ञानिक अगर एक आध कैरेक्टर ले रहा, हीरोइन इधर, तुम्हें से कह रहे लड़के, हाँ, अगर कोई वैज्ञानिक एक आध कैरेक्टर ले रहा है, वो भी मॉर्फोलॉजिकल, मोटा मोटा एक दो कैरेक्टर, तो उसके क्लासिफिकेशन को डाल देंगे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में दो चीजें पकड़ी गई, या तो आप वेजिटेटिव कैरेक्टर लेंगे ढेर सारे की एक आध, ढेर सारे, हाथ फैला दिए तो ढेर सारे, अच्छा, या तो आप एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर लोगे, एंड्रोशियम फाड़ के नहीं देखोगे, ऊपर से जितना समझ में आएगा बस उतना, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर, ये क्लास, इसको लेकर क्लासिफाई करने वाला वैज्ञानिक था लीनियस। लीनियस का क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल में इसलिए गया क्योंकि उसने एंड्रोशियम को देखा कि एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर कैसा है, और ये क्लासिफिकेशन भी किसमें जाएगा, आर्टिफिशियल, क्योंकि इन्होंने कैरेक्टर कितना लिया, ए, दैट इज एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। अब मेरी बात सुनो, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई एक क्लासिफिकेशन है, हजारों यार, हजारों। जिस वैज्ञानिक ने एक आध कैरेक्टर लिए, ऐसे मत बैठ, ठीक है, एक आध कैरेक्टर लिए, वो भी एक आध कैरेक्टर जो लिए वो भी मॉर्फोलॉजिकल लिए, अर्थात ऊपर ऊपर से देखा, वो सब किसमें चला जाएगा, आर्टिफिशियल। इतना वाहियात क्लासिफिकेशन था, मैं आज के दौर से कंपेयर करके बता रहा हूं, पता किसके आधार पर होता था, प्लांट की हैबिट क्या है, हैबिट मतलब गुड हैबिट और बैड हैबिट नहीं, कहने का मतलब प्लांट पाए कहाँ जा रहे हैं, दलदल में, पानी में,
या जमीन पे। तो ये कोई बहुत साउंडिंग बहुत जबरदस्त क्लासिफिकेशन है नहीं यार, लाखों प्लांट जमीन पे पाए जाते हैं। मैं अगर एक कैरेक्टर बता दूं कि बेटा एक प्लांट मुझे जंगल में मिला वो जमीन पे निकलता है, अरे जमीन पे सर लाखों स्पीसीज है प्लांट की। तो क्लासिफिकेशन ऐसा होना चाहिए, इतना बेहतरीन स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए कि हम खटाक से उस स्पीसीज को पकड़ लें कि ये स्पीसीज खोजी गई है या नहीं। अब तुम एक आध कैरेक्टर ले रहे हो और वो भी लेके आ रहे हो प्लांट की हैबिट कि प्लांट पाए कहां जा रहा है, दलदल में पानी में या जमीन पे। कुछ तो और बड़े वाले थे, कलर ऑफ लीफ के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते थे, पत्तियों का रंग ज्यादा हरा कि कम हरा, समझो मेरी बात। और मजेदार बात, फोटोसिंथेसिस में बताऊंगा, एक ही प्लांट की पत्तियां, कुछ पत्ती ज्यादा हरी हो सकती है, कुछ पत्ती कम हरी हो सकती है। वो पढ़ाऊंगा कुछ लाइट का उसका लोचा होता है कि जिस पत्ती पे लाइट ज्यादा पड़ती है उसका रंग दूसरा आता है, जिस पत्ती पे लाइट कम पड़ती है उसका रंग दूसरा आता है। तो क्या एक ही प्लांट को तुम दो स्पीसीज बता दोगे? कुछ वैज्ञानिक ने, उन्होंने कैरेक्टर क्या लिए, मॉर्फोलॉजिकल मतलब ऊपरी कैरेक्टर, उन्होंने ऊपरी कैरेक्टर में क्या लिया, कलर ऑफ लीफ, उससे भी बड़े वाले छोड़ो। कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने शेप ऑफ लीफ लिया, और मान लो बकरी आके कर दी पत्ती, स्पीसीज चेंज। और कुछ इससे भी बड़े वाले थे, उन्होंने नंबर ऑफ लीफ लिया, मतलब अगर भाई साहब लीनियर साहब बैठ के गिन रहे होते आम की पत्ती, मान लो आम की पत्ती गिन के आई 1046, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वैल्यू लग रही है नहीं, और मान लो बनरिया के हिला दी, हाँ 46 पत्ती गिर गई, तो स्पीसीज चेंज। वाह भाई वाह। और ये था आपका आर्टिफिशियल, ठीक है, उसकी हैबिट देख लेते थे, कलर नंबर एंड शेप ऑफ ली। एक बात याद रखना, वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब होता है रूट स्टेम या ली, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी कैरेक्टर आप देखने दो क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव। अब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम मेरा एक एक बच्चा समझ चुका है कि सर ये एक आध कैरेक्टर लेते थे तो बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं होता था। बताओ इस क्लासिफिकेशन में ग्रुप बहुत बड़े बनते होंगे कि छोटे? सोच के बताओ, एक आध कैरेक्टर होंगे तो ग्रुप तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के दो ड्रॉबैक सुनना, दो ड्रॉबैक। कमी नंबर पहली, मान लो इन्होंने कह दिया ऑफ स्किन, इन्होंने कहा जिनका कलर गोरा है वो एक ग्रुप में रखे जाएंगे, मान लो इन्होंने कहा। इसका मतलब सफेद चूहा, पोलर चूहा पर मेरे को क्या देख रही है, सफेद चूहा, पोलर बियर और साहिल सर, क्या हम तीनों को एक रूप में रख दोगे? अगर एक आध कैरेक्टर लोगे तो सब पूरा क्लासिफिकेशन बर्बाद हो जाएगा। मान लो इन्होंने कहा कलर ऑफ स्किन, जिसकी ब्लैक होगी वो एक ग्रुप में रखे जाएंगे, तो हमारी बिटिया जितनी बच्चियां बैठी हैं ये, और जितनी मैंने ब्लैक बैठी हैं ये, इसके साथ साथ काला भालू, अरे काला भालू, काली गाय, काली भैंस, कौआ, और हमारा क्रिस ये, और काली चींटी, और काला हाथी, इन सब को उठा के एक ही ग्रुप में रख दोगे क्या? नहीं सर, ये तो फिर बहुत गलत बात हो जाएगी। एक आध कैरेक्टर लेंगे तो जिन स्पीसीज के बीच में कोई लेना देना है ये नहीं, आप उन्हें एक ग्रुप में रख देंगे, और जिनका बहुत नजदीकी लेना देना है आप उनको क्या रख देंगे, अलग अलग। हमारा और बंदर का बड़ा नजदीकी लेना देना है बंदर, लेकिन अगर कलर ऑफ स्किन से ले लेंगे तो हमको किस में रख दे जाएंगे, अलग अलग। ड्रॉबैक नंबर पहला, दे सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, इन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को क्या कर दिया, अलग अलग। बोलो यार, एंड पुट टुगेदर, बेटा हमारी आवाज तेज नहीं है, कौन कहता मेरी आवाज तेज है? अच्छा बेटा आवाज तेज नहीं है, शेर की दहाड़ी को जैसी होती है।
एंड पुट टुगेदर डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज, जिनका बहुत दूर दूर वाला नाता था, उनको एक साथ उठा के रख दिया। जब एकाध कैरेक्टर होंगे तो यही होगा। हमको क्रिस गेल को अलग कर दिया यार, हमको रख दिया पोले वीलर वाले ग्रुप में, हमारी बहनों को रख दिया क्रिस गेल वाले ग्रुप में। बहुत बुरा लगा बेटा मुझे, मतलब मेरी आंखों से यूरिन आ गया। ये बताइए आपको इस क्लास के लड़कों से बहुत खतरा है, मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं, आपको इस क्लास के लड़कों से खतरा है। और कहीं आपकी इनकम जानगे, टैलेंट जानगे तो खतरा बढ़ जाएगा। ये देखो कितना तेज उठा। अब सुनिए हमारी बात, अब हम क्या कह रहे हैं, इधर 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 कहते हैं आप कह क्या है, आपसे एक प्रश्न है। मान लीजिए आपकी शादी हो जाती है, मान सकते हैं आपकी तो आसानी से हो जाएगी, मैं अपने को डाउट कर सकता हूँ, कह रहा लड़के से। ये तैयार हो गई आपकी पूरी, और अच्छा और अच्छा और अच्छा, उसी के चक्कर में रुकी गई। इन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा यार अभी भी मत भेजो, मुझे आज रात और कल रात काम कर ले। कहते अब रहने दो सर, ये 2025 में आएगी। पर मोटी होती जा रही थी, क्वेश्चन में और चेंज कर रहे थे, और चेंज और चेंज। टोटल ये बनी है कितने पेज की, 58 पेज की है। ओल्ड एनसीईआरटी का फिगर अलग काट के किया गया है, क्योंकि देखो समझदारी यही है कि आप न्यू एनसीईआरटी पढ़िए। पूछिए क्यों, क्योंकि देखो अगर थोड़ा भी दिमाग होगा ना एनटीए वालों के पास, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है 11th और 12th के बच्चे। भाई जब वो न्यू पढ़ रहे हैं तो आप ओल्ड से पेपर कैसे बनाओगे। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा कि चलिए आपको पागल कुत्ते ने काट ही लिया है, आपको रेबीज हो गया है और आप अपना सेंस खो चुके हैं, और आपने दिसंबर में ब्रोशर लॉन्च किया और आपने ब्रोशर में बोल दिया कि भैया हम पुराना वाला कंटेंट रखे हैं, वो तो देख के ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास 5 महीने हैं। ठीक है, और जो कंटेंट ये काटे हैं वो लगभग 1 से 1.5 महीने का है, तो हम तब खत्म कर लेंगे। लेकिन अगर हमने अभी ख़त्म कर लिया और आपने वहाँ पर हटा दिया तो मैं बड़ा धोखामयी फील करूँगा। इसलिए समझदारी क्या है, हमें कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, न्यू एनसीईआरटी। अब एक प्रश्न था, मान लीजिए आपकी शादी हो जाती है, ठीक है, समझिएगा मेरी बात, इनकी क्या हो जाती है, और आप चाहते हैं कि आपका लड़का जो है वो जट काला पैदा हो, बिल्कुल कह रहा साहिल सर जैसा, बिल्कुल क्रिस गेल के जैसा चाहते हैं, और ये अपनी पत्नी के साथ चले गए अफ्रीका। इनके मन में एक धारणा आई, क्योंकि मैथ्स से इनके मन में एक धारणा आई कि अगर अंग्रेजी में लिखा आ, अरे आ, आ, आ। इनके मन में एक धारणा आई कि अगर हम अफ्रीका जाके बच्चा करेंगे तो क्या पता लॉन्चिंग ब्लैक हो एकदम। ठीक है, पर ये भी गोरे हैं, इनकी पत्नी भी मान लो भाग्यवश गोरी निकली। ठीक है, इधर और लेकिन उन्होंने देखा बच्चा तो गोरा है, ये फोन किए कैंसर क्या बायोलॉजिकल फेनोमेना हुआ, अफ्रीका में तो बच्चे काले होते, हम क्या उसके लिए अफ्रीकी होनी चाहिए। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, क्योंकि इन्वायरमेंट बदलने से आपके रिप्रोडक्टिव करेक्टर थोड़ी बदल जाएंगे। अरे यार क्या मतलब, तो इन्वायरमेंट बदलने से गैमेट का कलर काला हो जाएगा, वाह भाई वाह, अरे मजाक चल रहा है क्या भाई, इन्वायरमेंट बदलने से कलर थोड़ी चेंज हो जाएगा, बोलो यार। तो आप पैदा वहां पर इंसान ही करेंगे, क्योंकि आप स्वयं क्या है, इंसान। आप कहीं भी चले जाइए, आप अगर मान लीजिए आप मेरे घर आ जाएंगे तो ऐसा थोड़ी कि शेर पैदा होगा,
भाई, क्योंकि रिप्रोडक्टिव करेक्टर आपके चेंज नहीं होंगे। हाँ ये हो सकता है कि अगर आपका बच्चा अफ्रीका में बहुत दिन तक खेला कूदा तो हो सकता है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, गोरे से काला हो जाए। बोलो यार, तो जो हमारी बॉडी के ऊपरी कैरेक्टर है, अंग्रेजी में एनिमल में उसको सोमैटिक कहते हैं, प्लांट में उसे वेजिटेटिव कहते हैं। एनिमल की बॉडी को सोमा बोलते हैं, सोमा मतलब एनिमल बॉडी और वेजी मतलब प्लांट बॉडी। तो आपकी आपका जो लड़का होगा वो शेर नहीं होगा, वो शेर नहीं होगा, क्योंकि आपके जीन्स अलाउ नहीं कर रहे कि वो क्या बने, शेर। तो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पर एनवायरनमेंट का फर्क जल्दी नहीं पड़ता, लेकिन आपकी बॉडी के सोमैटिक लक्षण, या अगर हम प्लांट की बात करें तो इनके वेजिटेटिव लक्षण, इनके क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो बताओ एनवायरनमेंट पे ज्यादा असर किसका पड़ा, रिप्रोडक्टिव का कि वेजिटेटिव? और एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप कभी पहाड़ पे गए हो? हाँ, मिट्टी के टीले पर चढ़ जाने को पहाड़ नहीं कहते हैं, समझ पाए? आए, हमने हमने हम 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 लोगों ने पहाड़ पे देखा है कि पहाड़ पे प्लांट कुछ इस शेप के होते हैं। नोटिस किया? एक नीम का प्लांट लो, जाओ पहाड़ पे लगा दो, भरोसा करो, एक नीम का प्लांट लो, जाओ पहाड़ पे लगा दो। अगर एक नीम के प्लांट का सीड पहाड़ पे लगा दोगे तो उससे साइकस का प्लांट नहीं निकलेगा, निकलेगा किसका प्लांट? नीमे का होगा, वो नीमे निकलेगा उससे नीम का उड़ी, जिसे मार के खेलेंगे गर्मी छुट्टी में, खेलियो भी नहीं खेले। नीम का प्लांट अगर है, आप उसे पहाड़ पे ले जाके लगाओ या गढ़े में ले जाके लगाओ, उससे जो प्लांट निकलेगा वो नीम ही, क्योंकि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पर एनवायरनमेंट का फर्क उतना नहीं पड़ता। हाँ वो अलग बात है कि वहां का जो नीम का प्लांट होगा उसका शेप कुछ ऐसा होगा, हर पहाड़ी प्लांट का शेप थोड़ा ट्रायंगुलर होता है। इसका कारण होता है, पहाड़ पर जब गिरेगी बर्फ तो बर्फ इस पर टिकेगी नहीं, बर्फ लुढ़कती हुई किधर चली जाएगी, नीचे। दैट्स व्हाई पहाड़ के प्लांट का शेप कैसा होता है, ऐसा। पहाड़ के प्लांट की पत्तियां भी छोटी होती है, पहाड़ के प्लांट की पत्तियां छोटी होती हैं। अगर एक नीम और रूट सी, यहाँ रूट सी बात करते हैं और सरल है, रूट जो होते हैं, जो जमीन पर नीम का प्लांट लगा और जो पहाड़ पर रूट, पहाड़ पर नीम का प्लांट लगा है, पहाड़ वाले की रूट बहुत अंदर तक गई होती है, क्योंकि उसे तेज हवाओं के क्या झेलने पड़ते हैं, थपेड़े। तो बताओ वेजिटेटिव करेक्टर इन्वायरमेंट बदलने से, प्लेन से आप पहाड़ पे गए, अगर आप प्लेन पर मतलब जमीन पर अगर आप एक नीम का प्लांट देखो तो ऐसे फैला रहता है, देखा होगा ना, लेकिन वहीं पर पहाड़ पर उसका शेप कैसा हो जाएगा, ट्रायंगुलर। इसका मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर पर एनवायरनमेंट का असर पड़ेगा ज्यादा और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पर फर्क पड़ेगा कम। तो ज्यादा तवज्जो क्लासिफिकेशन में किस कैरेक्टर को देनी चाहिए, जो बोलते ही नहीं हो यार, जो जिसका एनवायरनमेंट पे असर कम पड़े, जिसका एनवायरनमेंट पे असर कम पड़े। समस्या क्या थी, लाउडली पढ़िए इसे, गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू वेजिटेटिव, वेजिटेटिव मतलब रूट स्टेम और लीफ, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर बोथ। क्या ये बात एकदम क्लियर है, लेकिन बराबर इंपॉर्टेंस देना क्या हो गया भैया, गलत। क्लासिफिकेशन खत्म है, जिन्होंने एक आठ कैरेक्टर लिए, अब वेजिटेटिव कैरेक्टर में क्या वाहियात कैरेक्टर लिए गए, हैबिट, कलर, नंबर, शेप और लिए, वो क्लासिफिकेशन सिस्टम किसमें चला, वो क्लासिफिकेशन किसमें चला जाएगा, आर्टिफिशियल, लिखना मत, बात सुनते रहना। अब अगला क्लासिफिकेशन आ रहा है नेचुरल, नेचुरल को बहुत अच्छे से समझिएगा, नेचुरल क्लासिफिकेशन आराम से सुनिएगा। मैथ्स हैं तो आप मुझे ये बताइए, आज से लाखों साल पहले इंसान ऐसा ही था, मतलब आपने देखा वाला फोटो ना, भाला वाला वाला है ना, वक्त के साथ लगातार हमारी बॉडी में क्या हो रहा था, चेंज। अच्छा डायनासोरस के टाइम पर इंसान ऐसा ही था? अरे पता है आपको, इंसान था ही नहीं, जुरासिक पार्क में हम लोग के कॉन्सेप्ट बहुत बिगाड़ दिए हैं,
है ना, डायनासोर जब धरती पे थे उस टाइम पर इंसान धरती पर नहीं था। बताऊंगा एवोल्यूशन एक बड़ी सुंदर सी बात है, अगर डायनासोर उस टाइम होते तो आज इंसान ना होता, लेकिन अगर आज डायनासोर होते तो आज डायनासोर ना होते, क्योंकि आज हम टेक्निकली बहुत ज्यादा क्या है, एडवांस। लेकिन उस समय बेटा वो चीरम फाड़ मचा के बराबर कर देते। सोचिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, आज आप सुपीरियर स्पीसीज हैं धरती की, आज धरती आपके कंट्रोल में है और आप धरती को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं जैसा आपको लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं, धरती किसी की औकात नहीं जो चला पाए, तुम्हारे जैसे बहुत आए थे, बहुत आए हैं और बहुत आएंगे, आना और जाना लगा रहेगा और आप धरती का घंटा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। धरती को जब अपने आप को मेंटेन करना होगा, जब अपने आप को जब अपनी अपनी चीज़ों को रिस्टोर करना होगा, एक सुनामी आएगी, खेल हो जाएगा। आप समझ पाए हमारी बात, एक भूकंप आएगा, लाख आप लगे रहो, मतलब लगे रहो, रिकॉर्ड तोड़ने में लगे रहो, हैं अब चीन डरने लगा है लोगों से। हाँ मुझे लगता है चीन में इसके भी अपने पासपोर्ट में लिखना ना शुरू कर दे। आप लगे रहो, जहां प्रकृति डिसबैलेंस होती है, प्रकृति खुद को बैलेंस करना चाहती है। नहीं समझ पाए हमारी बात, आप 7 अरब 8 अरब के जो आंकड़े सूर्य हो ना, ठीक है मान लो भाई रिकॉर्ड तोड़ दिए तुम, और ट्रस्ट नहीं, मेरा इसमें 1% का कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं अर्थ के बारे में सोच रहा हूं, मैं तुम लोग की गलती, मैं तुम लोग द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। अब मेरी बात सुनिएगा, जब अर्थ को अपने आप को रिस्टोर करना होगा, ह्यूमन का खेल एक दिन में खत्म होगा, एक दिन में खत्म होगा। जब डायनासोरस से तो डायनासोरस का राज चला करता था, उन्हें लगता था हमसे भयानक कोई नहीं, और एक छोटा सा मैमल था शुरू, इतना छोटा था कि उसका नाम ही शुरू रखा गया, जहां से शुरू वहीं पे खत्म। छोटा सा मैमल था, इतना छोटा था, शुरू एक मैमल था, जमीन के अंदर गड्ढा बना के रहता था, और डायनासोरस शुरू को एकदम खत्म करने पे पीले पड़े, एक बड़ा उल्का पिंड गिरा। उल्का पिंड समझते हो, उल्का पिंड समझते हो कि नहीं, उल्का पिंड गिरा, धूल उठी, 2-2 महीने तक सनलाइट धरती पे आई नहीं, फोटोसिंथेसिस हुई नहीं। अब डायनासोरस की खुराक थी ज्यादा, डायनासोरस की खुराक थी ज्यादा, और शुरू की खुराक थी बहुत कम। अब कौन डोमिनेट कर गया, समझ पाए हमारी बात, और वो बड़े बड़े डायनासोरस का खेल क्या हो गया, खत्म। तो ये लाखों साल से, लगभग 4 अरब साल से, जब से जीवन बना तब से आज तक, धरती पर लगातार प्राणियों में परिवर्तन होता रहा है। बहुत प्राणी आए खत्म हो गए, बहुत जो आए आज तक हमारे साथ टिके हुए हैं जैसे कॉकरोच, बहुत आए जो खत्म हो गए जैसे डायनासोरस, डोडो डायनासोरस हो गया, डोडो हो गई, और बहुत ऐसी स्पीसीज है जो भविष्य में आएंगी, जो भविष्य में आएंगी, अभी आई नहीं है, क्या पता हमारे अंदर ही एवोल्यूशन हो के और बेटर स्पीसीज बन जाए। तो ये जो आपकी बॉडी है, ये जो आपकी कंप्लीट बॉडी है, दो हाथ का होना, दोनों हाथों का सामने होना, दो होंठों का होना और आपका लेटे लेटे होंठ होना, 32 दांत का होना, 2 कान का होना, दोनों कान का इधर होना, नाक एक होना, नथुने 2 होना, इस स्टमक का जे शेप होना, डियोडेनम का सी शेप होना, हेड का एक होना, उसमें चैंबर 4 होना, 2 लंग्स होना लेकिन लेफ्ट वाला छोटा होना, 4 उंगलियां और 1 अंगूठा होना, 2 हाथ और 2 पांव होना। ऐसे आपकी बॉडी में जितने भी लक्षण आए हैं, अगर आपकी नाक यहां है ना, तो इसकी एक वजह है, प्रकृति ने धीरे धीरे इसको यहां पर शिफ्ट किया। हमसे पहले वाले जानवरों की आंख तो इधर थी, मैंने फिलोसफी और बायोलॉजी में पढ़ाया था कि आंखें सामने क्यों आई, इसका फायदा क्या होता है। तो पहले जानवरों की, गाय भैंस की आंख तो आज भी यही है, और लेकिन आंख धीरे धीरे किधर आई, सामने। ये वक्त के साथ हमें इन्वायरमेंट से लड़ना होता है, इन्वायरमेंट लगातार बदल रहा है, इस वजह से हमें अपने अंदर क्या करना पड़ता है, परिवर्तन। तो आज ये हजारों लक्षणों की जो चलती फिरती दुकान है, अरे क्या मेरे पास लक्षण नहीं है, मैं लक्षणों से भरपूर हूं, नूरानी आंखें, चमचमाता नशीली आंखें, नूरानी चेहरा, स्टमक का जे शेप,
डियोडेनम का सी शेप, लिवर का 1.2 से 1.5 केजी होना, नहीं हो यार, किडनी का 10 से 12 सेंटीमीटर होना, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई, 120 से 170 ग्राम वजन होना, एक किडनी में 10 मिलियन नेफ्रॉन, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होना, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होना, ब्रेन में न्यूरॉन का होना और किडनी में नेफ्रॉन का होना, हिपेटोसाइट का लिवर में होना, गैस्ट्रोसाइट का स्टमक में होना, ब्लड का होना, ये एक दिन में नहीं हुआ है, लाखों साल एवोल्यूशन हुआ है। तो एक ऑर्गेनिज्म को मैं बोलता हूँ ये चलती फिरती कैरेक्टर्स की दुकान है। वह दुकान का मतलब है कि बॉडी में सारे कैरेक्टर्स हैं, ये एक दिन में डेवलप हुए कि प्रकृति के साथ एक प्रकृति नहीं कर सकते, समझ पाए, नेचर से आप लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि नेचर क्या है, आपको छोड़कर पूरा ब्रह्मांड आपका नेचर है। व्हाट इज नेचर, आपके लिए नेचर अलग है, मेरे लिए नेचर अलग है, इनके लिए नेचर अलग है, मैं आपके नेचर में आता हूँ, आप मेरे नेचर में आते हो, कोई खुद के नेचर में नहीं आता, नेचर इज डिफाइंड है, आपको छोड़कर पूरा ब्रह्मांड आपका क्या है, नेचर, और तुम एक पृथ्वी से चूहे, ठीक 1300-1350 सीसी का इंजन ले लो और तुम नेचर से लड़ोगे, अरे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निकल नहीं रहा है और चले हैं नेचर से लड़ने, अभी अपना सोलर सिस्टम को समझ नहीं पाए हैं, अपनी धरती नहीं समझ पाए हैं और हम प्रकृति से लड़ने की मजाक चल रहा है। तो बेटा जब प्रकृति अपने अंदर परिवर्तन लाती है तो जीव को अपने अंदर भी क्या लाना पड़ता है, परिवर्तन, और जो इस चीज कहेगी हट मुझे नहीं परिवर्तन लाना, तो मतलब नेचर कहती इट्स माय लाइफ इट्स माय रूल्स गो टू हेल, समझ पाए हमारी बात, भाड़ में जाओ, तुम्हारी जैसी 17,99,999 और है, और तू एक जाएगी टेंशन न ले, मैं एक से कौन निकाल दूंगा, बोलो यार। तो प्रकृति के साथ हमारी बॉडी में सारे लक्षण धीरे धीरे बदलते गए। आज ये जो तुम्हें कैरेक्टर्स की दुकान दिख रही वो इसलिए क्योंकि मैंने नेचर का विरोध किया कि नेचर के साथ एफिनिटी अर्थात सामंजस्य बनाया, जैसे जैसे नेचर बदल रहा था वैसे वैसे मैं भी बदल रहा था। मान लीजिए आज हिंदुस्तान का टेम्परेचर 1.1 बढ़ जाए, तो आपको ये बात मैंने एक लेक्चर में सिखाई थी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि हाई टेम्परेचर पर अगर आपका सनलाइट से सामना ज्यादा हो रहा है तो आपकी स्किन में जो मेलेनोसाइट है वो कौन सा पिगमेंट बनाती है, मेलेनिन, और नहीं बनाएंगी तो कैंसर होने के चांसेस ज्यादा। और मान लो हम लोगों में से कुछ लोगों ने एवोल्यूशन कर लिया, खुद को काला कर लिया, और कुछ लोगों ने नहीं किया, जो नहीं किया वो कैंसर से मरे और जो कर लिए वो डेवलप हो जाएंगे, बोलो यार। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए कहती है एनसीईआरटी, ये दो वर्ल्ड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इतनी देर से, जो दो वर्ल्ड लिखे हैं, नेचुरल एफिनिटी कहने का मतलब नेचर के साथ तालमेल बनाए हो, इसी वजह से सारे लक्षण डेवलप हुए हैं। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एकाध करेक्टर लिया है तो आर्टिफिशियल, ओए लड़के, एकाध करेक्टर लिया है तो आर्टिफिशियल, बॉडी के सारे करेक्टर ले लोगे तो वो किसमें चला जाएगा, नेचुरल। जिन वैज्ञानिकों ने बॉडी क्लासिफिकेशन किसमें चला गया, नेचुरल। क्लियर है या नहीं क्लियर, सारे का मतलब मैक्सिमम से होता है, सारे कोई नहीं करता, ठीक है, सारे अब किए जाते हैं, जब सुपर कंप्यूटर वगैरह आ गया है तो अब सारे किए जाते हैं, तब नहीं किए जाते थे, मैक्सिमम मतलब सर जैसे क्या क्या, जैसे एम्ब्रायोलॉजी का मतलब सर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, आपके एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान गिल्स जैसी स्ट्रक्चर बन रही है या नहीं बन रही है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, पहले महीने में क्या बना, दूसरे महीने में क्या बना, तीसरे महीने में क्या बना, चौथे महीने में क्या बना, मजेदार बात बताऊं, चाहे मछली हो, चाहे एम्फीबिया हो, चाहे रिप्टाइल हो, सर हम लोग को प्लांट किंगडम पढ़ना है, बस यही गवार छाप आदत छोड़ दो, ये सब बेवकूफ बनाया जाता है कि बॉटनी अलग होती है, जूलॉजी अलग होती है, ये बेवकूफ पता क्यों बनाया जाता है, पूछो भी पता जी, कानपुर छोड़ दीजिए तो हिंदुस्तान में हर जगह बॉटनी अलग पढ़ाई जाती है, जूलॉजी अलग पढ़ाई जाती है, कहते हैं बॉटनी 4 सब्जेक्ट हैं, इस लेवल पे बॉटनी जूलॉजी करते हैं, बताओ, तब तो हम तो कहते हैं कार्डियोलॉजी बनाओ, एंजियोलॉजी बनाओ,
भाई बॉडी प्रोटीन सर्कुलेशन में बनाओ ना, कार्डियोलॉजी का अलग टीचर होगा, एंजियोलॉजी का, ब्लड वेसल का अलग टीचर, बोलो भाई पल्मोनोलॉजिस्ट अलग होगा। तो ये सब फालतू बातें हैं, वो इसलिए किया जाता है ताकि आपसे एक ही सब्जेक्ट की दो फीस ली जाए, तब तुम बॉटनी की अलग दोगे और जूलॉजी की अलग दोगे। बेटा बॉटनी जूलॉजी एक है, सब एक है, सब रिलेटेड है। जब मैं प्लांट फिजियो पढ़ाऊंगा तो ह्यूमन फिजियो के इतने कॉन्सेप्ट उठाऊंगा कि पूछो नहीं। भाई सीधी सी बात है, आप चैप्टर पढ़ते हो रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, तो भैया रिस्पायरेशन इन प्लांट नहीं, रिस्पायरेशन इन सब में वही होता है। अब प्लांट लिख के अब तुम बता दो बॉटनी है, क्योंकि चैप्टर में क्या लिखा हुआ है प्लांट, क्या ग्लूकोज पे लिखा होता है ग्लूकोज प्लांट वाला। तो भैया सीधी सी बात है, बेवकूफ बनाने के तरीके। तो बेटा सब कुछ रिलेट किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरीथिंग, एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू मस्ट हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड विद ईच एंड एवरीथिंग। कक्षा 11 में कोटेशन लिखे थे, हर चीज से कनेक्टेड है। और अगर तुम हर चीज के बारे में जानना चाहते हो तो इस बात को फिर सुनो कि हर चीज से कनेक्टेड है। तो किसी एक चीज को सही समझ लोगे तो हर चीज को समझ लोगे, एक को समझ जाओ पूरी तरीके से बाकियों को समझना क्या हो जाता है आसान, उसी के अल्ले बल्ले सबका नेचर होता है। मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ। अच्छा इधर आओ, आपका कोई बात नहीं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उन वैज्ञानिकों का जिन्होंने बॉडी के ढेर सारे कैरेक्टर उठाए, बॉडी के सारे कैरेक्टर उठा रहे हो। सारे कैरेक्टर कैसे आए भैया, जब नेचर के साथ आपने क्या बनाई तालमेल बनाया। जैसे एग्जाम में शब्द आ जाए नेचुरल एफिनिटी तो तुरंत तुरंत समझ जाना। अरे एक बात मैं बोल रहा था, बोलते बोलते रुक गया। फिश हो, एम्फीबियंस हो, रिप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो और मैमल्स हो, आपको पता है इन पांचों की एम्ब्रायोलॉजी में एक बड़ी मजेदार चीज सेम है। जब आपका एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हो रहा था ना, तो यहां पे इस साइड दरार पाई, इसे बोलते गिल स्लिट। स्लिट मतलब क्या होता है, दरार, जैसे हम लोग नेफ्रॉन में पढ़ते फिल्ट्रेशन स्लिट, याद आया। यहाँ पर खांच थी, मतलब उंगली डालोगे हलक में जाएगी, लेकिन पैदा होने से पहले ये पूरा क्या होता है, भर जाता है। मछलियों में ये नहीं भरता, लेकिन एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में देखा गया कि चाहे फिश हो, एम्फीबियन हो, रिप्टाइल हो, बर्ड हो, मैमल हो, सबके सब में यहां पर दरार पाई जाती है जब वो भ्रूण अवस्था में पल रहे होते हैं। अगर ये लक्षण आपस में मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम सबके एंसेस्टर क्या हुए, इससे समझ पाए हमारी बात। एम्ब्रायोलॉजी के साथ साथ वैज्ञानिकों ने फाइटोकेमिस्ट्री का भी इस्तेमाल किया। फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री मतलब डील ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद केमिकल्स, फाइटो मतलब क्या होता है प्लांट। वैज्ञानिकों ने देखा कि यार ये 14 अलग अलग स्पीसीज है प्लांट की, लिखिए मत यार सब लिखा हुआ अभी रीड कराऊंगा। फाइटोकेमिस्ट्री में क्या देखा कि 14 अलग अलग स्पीसीज है प्लांट की, लेकिन इन 14 के 14 में, मान लो एक पिगमेंट का ऐसे मैं नाम ले रहा हूं कोई भी एक्स वाई जेड, वो 14 के 14 में पाया जा रहा है। ठीक, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन 14 की 14 स्पीसीज में अगर सेम केमिकल बन रहा है, मान लो ये 14 प्लांट की स्पीसीज है, मैंने देखा इन सब के अंदर विन ब्लास्टिन बन रहा है या स्टाइकिन बन रहा है, एक कोई फर्जी नाम ले लो, फर्जी नाम नहीं बेटा नाम, सब में स्ट्राइकिंग बन रहा है। मैं समझ गया तुम सब अलग अलग स्पीसीज हो, क्योंकि तुम्हारे लक्षण क्या होंगे अलग अलग। लेकिन अगर ये लक्षण मिल रहा है कि तुम सब में स्ट्राइकिंग बन रहा है, मतलब कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन तुम सब में क्या चल रही है इससे, तो कहीं ना कहीं दूर ही सही इन सबके एंसेस्टर क्या हुए सेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बोलते नहीं हो यार। अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखी गई, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब बेहद घुसकर स्ट्रक्चर देखी गई, सूक्ष्म स्ट्रक्चर पकड़ी गई, प्रोकैरियोट होना, यूकैरियोट होना, नहीं समझे। अब सेल वॉल में है, सेलुलोज के साथ और क्या क्या है, मतलब सेल को घुसके स्टडी किया गया और देखा गया किनकी सेल्स में क्या है सिमिलैरिटी। ऐसे बहुत सारे करेक्टर लिए जाते हैं किसमें, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या पूरी क्लास में कोई बता पाएगा नेचुरल एफिनिटी वर्ड क्यों लिखा है इसके लिए?
नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये दो वर्ड मैंने इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिखे, क्योंकि इसमें बॉडी के सारे करैक्टर उठाए गए, और सारे करैक्टर कैसे आए जब नेचर के साथ आपने क्या बनाई, एफिनिटी। एकदम एफिनिटी नहीं होता बेटा, एफिनिटी। आओ, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एनओसी फॉर फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट के लगभग सारे करैक्टर उठाने वाले साइंटिस्ट थे जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टन। पहले एग्जाम होता था, नाम था एएमयू, ठीक है। कॉलेज तो भाई बहुत शानदार है, विदाउट एनी डाउट कॉलेज तो एक नंबर है, बहुत प्यारा कॉलेज, बहुत अच्छी एजुकेशन है, बट एग्जाम बहुत वही आते लेते थे, बहुत ही दो कौड़ी का पेपर होता, मतलब जो बनाते थे वो खुद सॉल्व कर लेते, मैं मान जाऊँ। पता सवाल कैसे होते थे, जैसे तुम लोग अपने रूम पार्टनर से पूछते हो फंसाने के लिए, जे सुनो, जैसे इनका नाम क्या है, जॉर्ज बेंथम, जी बेंथम, एम बेंथम, सी बेंथम, टी बेंथम, कुछ अच्छा लगता था तो उनकी फिजिक्स लगती थी, बाकी इतने फालतू सवाल इतने, इसीलिए कट ऑफ उनका गिर जाता था, और गनीमत है वो नीट के साथ मिल गए, वरना मिल चुकता है ये तुम्हें, अब तो नीट के साथ है ना, पता होगा ना, भैया सब नीट के साथ है यार। अब पूछेगा एग्जाम में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग प्लांट के लिए किसने दिया, बेंथम और हुकर, मतलब इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट के लगभग क्या किए होंगे, सारे करैक्टर उठाए। लेकिन आता है आखिरी और मोस्ट रीसेंट जो आज के समय में इस्तेमाल होता है, दैट इज फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक कुछ नहीं है, कुछ नहीं पड़ी इसने, सुनो तो, फाइलोजेनेटिक वाले जितने साइंटिस्ट हैं सब चोर हैं, क्या हैं, चोर। नेचुरल वाले क्या किए, जिनके जिनके लक्षण मिल रहे थे उनको उठा के क्या कर दिया, एक में, इन्होंने बस इतना बोल दिया कि जिनके लक्षण जो एक ग्रुप में रखे हैं, एक टैक्सॉन में रखे हैं, इसका मतलब उनके बीच सिमिलैरिटी है, उनके बीच सिमिलैरिटी है, इसका मतलब उनके एंसेस्टर क्या है, कॉमन। बोलो यार, बस यही है फाइलोजेनेटिक, मोस्ट रीसेंट क्लासिफिकेशन। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? बोलते क्या ये बात, सारे करेक्टर का जिक्र किए जिनके जिनके मैच हुए उनको एक ग्रुप में रखा, एक टैक्सॉन में रखा। फाइलोजेनेटिक वाले बस आकर ये बोलते कि जो एक टैक्सॉन में रखे उनमें करेक्टर मिल रहा है, मतलब इनके एंसेस्टर। बस आए, आप में से कितने लोगों को एवोल्यूशन में, एवोल्यूशन सब तो नहीं, मुझे चार चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, अगर तुम मेरा पर्सनल इंटरेस्ट पूछो तो, मतलब उनके बारे में मैं जब भी फ्री टाइम होता हूँ मैं उन्हीं के बारे में ही पढ़ता हूँ। मार्स तो बट ऑब्वियस है, शायद उतना मैं अर्थ के बारे में नहीं पढ़ाई की होगी जितना मैंने मार्स के बारे में पढ़ा है। मार्स के बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, क्योंकि मार्स क्या प्लैनेट है यार, मतलब मार्स एक लगता है। डीएनए बहुत पसंद है, बहुत, जितना पढ़ो उतना कम। समुद्र सी, डीप सी, जान, यूनिवर्स में भी मास और ब्रेन, ये चार मेरा सीरियस इंटरेस्ट है। और थोड़ा बहुत अगर पसंद आता है तो एवोल्यूशन, एवोल्यूशन वो भी अच्छा वाला, डीप वाला। पता है एवोल्यूशन में क्या कहानी है, जब धरती बनी थी तब का एनवायरनमेंट एकदम अलग था, जब पीओ पाइलॉन वगैरह जैसे जीव थे तब का एनवायरनमेंट अलग था, और आज का एनवायरनमेंट अलग है। एनवायरनमेंट लगातार बदल रहा है, आज से 1,000 साल बाद धरती का एनवायरनमेंट कुछ अलग होगा, 10,000 साल बाद धरती का एनवायरनमेंट कुछ अलग, लगातार बदल रहा है। और आपको ताजुब होगा कि ना जाने कितनी बार हिमयुग आया, हिमयुग मतलब आधे आइस एज, बस हो गया, आधे से ज्यादा धरती
आपकी बर्फ से ढक गई है, स्पीसीज लगभग खत्म। 5 बार ऐसा हो चुका है लगभग कि धरती से स्पीसीज लगभग खत्म हो चुकी है और ये 6ठा एक्सटेंशन चल रहा है। अब ये बताइए, जो जानवर मर गए, जो प्लांट मर गए, जो जानवर, ये तुम्हारे सर में चोट कैसे लगी? हाँ, लड़ाई झगड़ा गिर गए थे? अच्छा, फोकस लेवल कितना भयानक है, बात करते करते गिर पड़ गए। अब सुनिएगा मेरी बात, बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ, सुनना। वक्त के साथ लगातार नेचर चेंज हो रहा था, नेचर के साथ साथ नए नए जीव आ रहे थे, कुछ जीव जा रहे थे। अच्छा ये बताइए, अगर कोई जीव आज से मात्र 2000 साल पहले था तो उसका फॉसिल हमें मिलेगा? ताज्जुब की बात ये है कि बहुत कम जीवों के हमें जीवाश्म मिल पाए हैं, बहुत कम। बड़ी किताबें लिखती हैं एवोल्यूशन की, रेयरली कुछ ही स्पीसीज हमें मिली, जितनी मिलनी चाहिए थी उसके अनुपात में कुछ नहीं मिली। अब तुम कहोगे सर उनका जीवाश्म गया कहां? भाई देखो, जीवाश्म आपका जीवाश्म तभी बनेगा जब आप फॉसिल बनने की कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। अगर ये कंडीशन होगी तब फॉसिल बनेगा। मान लो कोई स्पीसीज है वो ज्वालामुखी के इर्द गिर्द रहती थी, अब अगर ज्वालामुखी फटा और वो सारी स्पीसीज उसके लावा में जल के मर गए, तो उसका लावा का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि हड्डियों का नामो निशान नहीं मिलेगा। तो कहते हैं बहुत कम स्पीसीज है जिनके हमें फॉसिल मिले। अब मान लो मेरे हाथ को देखना, हाथ को मत देखो, बोर्ड को देखिए। मान लो एक स्पीसीज है जो आज है 2000 जितना भी चल रहा है, 2300 जून, और ये स्पीसीज हमें आज एक स्पीसीज है जिसका जीवाश्म हमें मिला, उसका नाम था ए, ठीक। एक स्पीसीज है जिसका जीवाश्म हमें मिला, ये थी 10,000 साल पुरानी, कम हो गया थोड़ा बढ़ाओ, 20,000 साल पुरानी, और उसका नाम था डी। वैज्ञानिकों ने कहा डी और ई में बहुत सिमिलैरिटी है, प्लीज सुनिए, मुझे ई जानना था कि ई का फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, अर्थात ई स्पीसीज अगर बनी तो एकाएक थोड़ी आसमान से आ गए। ये तो भाई, ये तो हमारा रिलीजियस व्यू है, रिलीजियस व्यू हमारा है कि धरती पर सारी स्पीसीज आसमान से आई और एक का दिन में समाज पाई गई, समझ रहे? ये हमारा रिलीजियस व्यू है, विज्ञान इसे बिल्कुल नहीं मानता। विज्ञान चीजों में रिलेशन ढूंढता है और एवोल्यूशन का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है विज्ञान, एवोल्यूशन का 100% सपोर्टर है विज्ञान। मतलब विज्ञान को डाउट नहीं कि एवोल्यूशन नहीं हुआ है, एवोल्यूशन तो हुआ है, इतना मोटा चैप्टर एनसीईआरटी ने दे दिया, इतने प्रिंसिपल बने उसके ऊपर। मैंने देखा कि यार ई स्पीसीज का मुझे देखना है, इसकी पूरी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखनी है कि किससे किससे आया है, समझना। मैंने कहा कि यार इसका डी से बहुत मिलना जुलना है, इसके डी से ई और डी के बीच में, अरे नाम दे देगा कुछ चलेगा, ऐसे चलेगा। डी ई का डी के साथ लगभग 30,000 में 29,000 करेक्टर मैच कर रहा, इन दोनों का आपस में कितना करेक्टर मैच कर रहा है, 29,000। आपको ई का देखना रिलेशनशिप, सिर्फ ई का, ई की हिस्ट्री क्या थी, और ए और बी के बीच में देखा तो 13,000 कैरेक्टर मैच हो रहे थे। तुरंत वैज्ञानिक समझ गए कि बीच में कुछ और आए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा एवोल्यूशन नहीं होगा कि साला 13,000 कैरेक्टर मैच होते से सीधे पहुंच जाए 27, वॉट एवर रट्टू तोते, 13,000 से सीधे कितने पहुंच जाए 27,000। भैया देखो एवोल्यूशन ह्यूगो डिब्रीज कहते थे चट से होता है, उनकी बात सही नहीं मानी गई भाई। डार्विन कहते थे एवोल्यूशन धीरे धीरे होता है, ऐसे नहीं हुआ कि भैया रामा पिस्का से सीधे होमो सेपियन, मजाक चल रहा है क्या? एवोल्यूशन धीरे धीरे होता है,
gradual, step by step. And every step is baby step. तो कहते हैं कि ए से शुरू मिलना, कहते हैं ई से, ई जो है वो डी से आया होगा, डी में चेंज हुआ तो क्या बन गया, ई. लेकिन ए और डी के बीच में इतना लंबा गैप, नॉट पॉसिबल. मतलब बीच में कुछ और स्पीसीज आई है, जगह खाली है, जिनके फॉसिल अभी तक हमें नहीं मिले हैं. नहीं समझ पाए? तो जब आपके पास फॉसिल एविडेंस नहीं होता, जब आपके पास फॉसिल एविडेंस नहीं होता, वक्त के साथ प्रकृति क्या हो रही है, बदल रही है, नेचर चेंज हो रहा है. तो ह्यूमन उस समय की मिट्टी, उस समय की चट्टान. अच्छा बताओ, डायनासोरस के टाइम की मिट्टी आज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी. जमीन खोदो, जहां डायनासोरस का स्केलेटन मिला वही उस टाइम की मिट्टी. क्या डायनासोरस मरे होंगे, मरने के बाद जमीन खोद के अंदर गए हुए रहने के लिए? भाई जिस पे चलते थे उसी पर गिर पड़े, उसी पे मर गए. इसका मतलब वहां की मिट्टी उस टाइम की ही मिट्टी है. और मिट्टी की स्टडी करके हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि उस समय एनवायरनमेंट कैसा रहा होगा. एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा असर किस पे पड़ता है, मिट्टी पर, उस समय पाई जाने वाली चट्टानों पर. तो अब वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं इस एनवायरनमेंट में किस तरीके का जीव रहा होगा. आप नोटिस किए होंगे जहां एवोल्यूशन का चार्ट बना है, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 एवोल्यूशन, जो कि अब चैप्टर नंबर 6 बन गया है, वहां पर आपने नोटिस किया होगा बीच बीच में क्वेश्चन मार्क है, स्पीसीज अननोन, स्पीसीज एक्सटिंक्ट, देखा होगा यार. गेस करते हैं कि उसका ढांचा कैसे रहा होगा. मानव दिमाग के लिए संभव नहीं कि इतनी आसानी से गेस कर पाए. आप अल्टीमेटली बीच की स्पीसीज ढूंढ रहे हो कि कैसी कैसी रही होगी. अबे ऐसे कैसे हो सकता है यार, 13,000 कंट्री से 20,000, मतलब नहीं समझ पा. तो जब आपके पास फॉसिल एविडेंस नहीं है तो उस टाइम आप सहारा लेते हो तीन तरीके की टैक्सोनॉमी का. टैक्सोनॉमी मतलब ऑर्गेनिज्म को जानना, पहचानना, नाम रखना, क्लासिफाई करना, ये सब किसके किसमें करते हैं, टैक्सोनॉमी. उन्होंने पहले इस्तेमाल करना शुरू किया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. इसके बाद इस्तेमाल हो रही है अब साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी. अब सुनते जाना मेरी एक एक बात. जब फॉसिल एविडेंस नहीं है और हमें जानना है कि बीच में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्पीसीज हो सकती है, समझ ही नहीं रहे, या हमें किसी स्पीसीज के बारे में जानना है कि स्पीसीज खोजी गई है या नहीं, तो भी हम यूज कर सकते हैं इनका. जब फॉसिल एविडेंस नहीं है तो भी यूज कर सकते हैं. और जब हमें ये जानना हो कि बीच में कौन कौन सी स्पीसीज, इनके बीच में क्या हो रही होगी, लिंक. ए वो तो फिश से क्या बने, एम्फीबिया. एम्फीबिया से बने रिप्टाइल. मुन्ना अगर फिश से बने एम्फीबिया ना, तो फिश और एम्फीबिया के बीच में इतने भी लक्षण नहीं मिलते हैं कि आप सीधे बोल दे तो फिश से बने एम्फीबिया. बीच में बहुत सारे आए होंगे जिनमें कुछ मछली वाली प्रॉपर्टी होगी और कुछ एम्फीबिया वाली. एम्फीबिया रिप्टाइल में बीच में बहुत आए होंगे. जब आपके पास फॉसिल एविडेंस नहीं है, जब आपके पास फॉसिल एविडेंस नहीं है, तब आप इन तीन तरीके की टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल करते हैं. अब एक एक करके समझो. नाम बताओ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर. जब तक सुपर कंप्यूटर नहीं आया था, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी नहीं कर पाते थे. हमारे यहाँ सुपर कंप्यूटर जो है बहुत लेट से आया, और दुनिया के चंद देशों के पास सुपर कंप्यूटर है. अरबों का कैलकुलेशन एक सेकंड के अरबवें भाग में वो कर देता है. अरबों का कैलकुलेशन एक सेकंड के अरबवें भाग में कर देता है और चट से आपको रिजल्ट दे देता है. और सोचिए हम 1969 में मून पे पहुंच गए बगैर सुपर कंप्यूटर के. कितनी गजब की बात थी ना, 1969 में तो गए थे, ये नहीं पता, कितनी बड़ी बात नहीं पता. अच्छा ये बताओ कौन कौन गया था, नील आर्मस्ट्रांग और लाइका. अबे लाइका कुत्ता था वो, मून में नहीं स्पेस में गया था. लो कल्पना चावला को मून में भेज रहे हैं ये भारत के नौजवान. इनको देश की इतनी प्रतिभाशाली महिला के बारे में नहीं पता, उनको भेज दिए मून पे. चचा स्पेस पे गई थी, स्पेस यही है और मून
स्पेस यही है, 1600 किलोमीटर डाको के स्पेस आ जाएगा, सीधा नहीं डाकना, नहीं बंबई पहुंच जाओ, ऊपर जाना है। मून है लगभग 4 लाख किलोमीटर, लगभग दूरी आसपास कम होती रहती है। तो कौन कौन कहता नील भास्कर और एडविन ऑल्ड्रिन, नाम नहीं सुना, कितने लोग गए थे? दो नहीं तीन, दो गए थे मून पे और एक चक्कर लगा रहे थे मून के चारों तरफ। कौन लगा रहा था? कार्ल कॉलिंस, नहीं पढ़ा? अरे बचपन में एक आती थी मैगजीन टेल मी वाई, नहीं खरीदते थे? कोई बात नहीं बेटा, इग्नोर करो, यही सीख लो बहुत है। तो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। हम लोग क्या करते हैं, जब आप मोबाइल में 5 दबाते हो, मोबाइल 5 नहीं समझता, मोबाइल समझ जाता कौन कौन सी एलईडी बुझानी है कि तुम्हें 5 दिखे। नहीं समझे हमारी बात? जब आप वीडियो गेम खेलते हैं, कौन सा खेलते हो? पबजी, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। वीडियो गेम में खेलता था मारियो और कॉन्ट्रा। तो जब मारियो में तुम मारियो में जब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ऐसे करोगे तो वो छलता है, जब ऐसे करोगे तो छाना है, उसको बैठाना है, जानता है। जब तुम मोबाइल सुन करोगे तो मोबाइल समझ जाता है इन इन डॉट्स की बनी हुई स्ट्रक्चर को ऐसे ऊपर ले जाना। नहीं समझ पाया हमारी बात? मोबाइल तो नहीं समझता तुमने 5 दबाया है। मोबाइल में तुम गूगल से बोलोगे हेलो गूगल कॉल माय लाइफ, तो गूगल माई लाइफ वाइफ नहीं जानता। माई लाइफ में चाहे तुम अपनी वाई का नंबर सेव कर लो, गूगल वो माई लाइफ है समझेगा, वो पकड़ेगा ये नहीं समझता। तो उसकी अपनी अपनी भाषा है, उसके अपने कोड्स हैं। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जितनी भी स्पीसीज हैं, हर करेक्टर को कोई ना कोई नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया गया, जैसे 1, 2, 22, 22 डॉट, 22 अल्फा, 22 बीटा, 22 एप्साइलन। सारे कैरेक्टर्स को हमने क्या दे दिया? नंबर या कोई कोड। अब समझना बात को। और मान लो मुझे जंगल में एक स्पीसीज मिली, खड़ी हो या नहीं मिली, बैठो, मान लो ये मुझे मिले, खड़े हो, और ये मुझे मिले, खड़े हो, ये मान लो अलग अलग स्पीसीज है। मैंने देखा मारिस के सारे कैरेक्टर डाले, ठीक, और इनके सारे कैरेक्टर डाले और क्लिक किया एंटर के, वापस में क्या करें, मैच, 29,000 कैरेक्टर मैच हुए। मारिस पूर्वज है बैच को, और इनके कैरेक्टर सारे डाले, ये कोई और स्पीसीज है, 10,000 मैच हुए। मारिस गद्दू के महा कंप्यूटर समझ जाएगा कि साला इनसे 29,000 कर रहा, इनसे 10,000 कर रहा, तो ये तुरंत वाले मतलब बीच में गैप आया है। अब हम 1,000 कैरेक्टर कम किए, 1,000 कैरेक्टर की सिमिलैरिटी कम की, एक भाई स्पीसीज क्या है, कैरेक्टर की चलती फुलती दुकान, हम समझ जाएंगे इनके बीच में कोई ऐसी स्पीसीज होगी जिसके 13,000 में छोड़ रहे। मान लो 7-8,000 और कम किए, अब हम समझ जाएंगे इनको अभी खोजा जाना बाकी है। एकदम क्लियर है बात? तो इसमें क्या करते हैं, जब मैं इनके कैरेक्टर डाल रहा था कि दो पैर हैं, मेमोरी ग्लैंड है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल है, ठीक है, 4 उंगलियां हैं, 1 अंगूठा है, दिल में 4 कमरे, सारे डाल रहा था कैरेक्टर, तो कंप्यूटर ये सब नहीं जानता है। अगर तुमने 4 उंगली का होना 22 अल्फा से सेव किया कंप्यूटर में, तो समझेगा 22 अल्फा, और जैसे ही आप इंटर करोगे फंड से तुरंत एनालाइज करेगा और पट से बता देगा कि मारिस के पूर्वज कौन है। मारिस का तुरंत वाला पूर्वज, मारिस का बहुत दूर वाला पूर्वज, और बीच वाले अगर जो होंगे वो कैसे होंगे। अरे यार
अब नहीं मिले यार उनके जीवाश्म आज तो हम क्या करें, तब तक तो यहीं से काम चला, इन्हीं की फोटो लगा पूजा करो। दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल टैक्सो नॉमी। हजारों करेक्टर को चट से तुरंत क्या कर लेंगे, एनालाइज। और अगर ये काम हाथ से करेंगे तो मिलान करने वाला तो कितना टाइम लगेगा, समय बेटा, मारिज योर क्या पता था मारिज एक्सटिंक्ट हो जाए। अगला है साइटोटेक्सोनॉमी। साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, बोलते ही नहीं है यार, साइटो का मतलब सेल, सुनते जाना मेरी बात, लेकिन याद रखना, इसमें कंफ्यूजन ना रखना। साइटोटेक्सोनॉमी में क्रोमोसोम का बिहेवियर देखा जाता है। बिहेवियर का मतलब क्या है कि मिसबिहेव नहीं करना है। जब आप पढ़ोगे प्रोफेज फर्स्ट तो वहां पर पढ़ाया जाएगा क्रोमोसोमल बिहेवियर के आधार पर पांच फेजेस हैं, लेप्टोडीन, जाइगोडीन, पैटिडीन, डिप्लोडीन, डायगाइनेसिस। पक्का? तो उन पांच फेजेस में क्रोमोसोम का बिहेवियर दो स्पीसीज के बीच में मैच कर रहा है या नहीं, ये चेक किया जाएगा। मैच कर रहा है मतलब इनके एंसेस्टर क्या होंगे, सेम। क्लियर है तमाम, बोलना है, बोलते ही नहीं हो यार। साथ में क्रोमोसोम का नंबर चेक किया जाता है और एक चीज और चेक की जाती है, पूछो क्या, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, कि कौन कितने क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक है, कितने टीलोसेंट्रिक है, कितने मेटासेंट्रिक है, कितने सब मेटासेंट्रिक है। तो ये तीनों चीजें क्रोमोसोम का बिहेवियर, नाम है साइटोटेक्सोनॉमी। सेल नहीं देखोगे, सेल के अंदर क्या देखोगे, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का क्या क्या, बिहेवियर, नंबर और स्ट्रक्चर। पक्का? एग्जाम में मैं भूल गया, ट्रिक याद करना, नसीब अच्छा है जो तुम्हारे पूर्वज बता रहा हूं मैं, ना से नंबर, सा से स्ट्रक्चर और बा से बिहेवियर। लास्ट है कीमोटेक्सोनॉमी। बहुत सारा बच्चा इस बात में कंफ्यूज रहता है कि सर कीमोटेक्सोनॉमी क्या है और फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, और इन दोनों को एक मान लेता है। कीमोटेक्सोनॉमी क्या है और फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, दोनों का मतलब समझना। टेक्सोनॉमी का मतलब सिमिलैरिटी वगैरह ढूंढ के किसी को एक ग्रुप में रखना, क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल कर रहे हो, साइटो कर रहे हो, कीमो कर रहे हो, बताओ इन तीनों में कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल हो रहा है, राइट? आओ अब मैं बातें करूंगा कीमो। फाइटोकेमिस्ट्री अभी बताया था कि मान लो इन 14 पार्ट्स में कोई सेम केमिकल मिल रहा है। फाइटोकेमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि प्लांट कौन कौन से केमिकल बना रहा है, समझ गए बात को? फाइटोकेमिस्ट्री में हम प्लांट्स में कौन कौन से केमिकल है इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है? जब हम रिलेशनशिप निकालते हैं फाइटोकेमिस्ट्री में, हमने क्या बोला, केमिकल्स देखेंगे। स्टडी ऑफ केमिकल्स इन प्लांट इज कॉल्ड फाइटोकेमिस्ट्री, कि कौन कौन से केमिकल बन रहे हैं। भाई साहब बात खत्म हो गई, हैप्पी बर्थडे हो गया। लेकिन कीमोटेक्सोनॉमी में हम केमिकल सिमिलैरिटी देखते हैं। बात को खड़ी हूं, अगर मैं इस प्लांट की, अगर तुम प्लांट हो एनिमल, कौन सा मल, अच्छा एनिमल, मान लो ये कोई प्लांट है और हमने प्लांट है, मैंने इसके अंदर सारे केमिकल स्टडी किए, कौन कौन से केमिकल, मैंने लिस्ट बनाई, मैंने केमिकल की लिस्ट बनाई है, तो आई एम नॉट डूइंग कीमोटेक्सोनॉमी। केमिकल की लिस्ट स्टडी करना क्या कहलाएगा, फाइटोकेमिस्ट्री। और मैंने दूसरी स्पीसीज की लिस्ट बनाई तो अभी भी मैंने क्या की, फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटो मतलब प्लांट, बॉटनी को फाइटोलॉजी बोलते भी है। अब मैंने इन दोनों में सिमिलैरिटी देखनी चाहिए, तो अब सर आप सिमिलैरिटी देखोगे तो एक ग्रुप में रखने की कोशिश करोगे, अंतर समझ गए आपको, क्लियर है अंतर, लिखो।
कैसे कहोगे? मैं बुरा मान जाऊंगी, मैं नाचूंगी, मैं झूमूंगी। लेकिन फाइटो केमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल्स इन प्लांट्स, स्टडी ऑफ केमिकल्स इन प्लांट्स हो गया। बट व्हेन वी similarity and dissimilarity to know the similarity and dissimilarity between plants, similarity or dissimilarity, हिंदी वाला नहीं इंग्लिश वाला वो अवध होता है, और डिसिमिलैरिटी बिटवीन प्लांट्स, ताकि हम जान सके कि इनका रिलेशनशिप एवोल्यूशनरी कितना है। फुल स्टॉप। दिस इज कॉल्ड कीमोटैक्सोनॉमी, ओवर एंड आउट। सॉरी, दिस इज कॉल्ड फाइटोकेमिस्ट्री नहीं। Let's start reading of plant kingdom. In the previous chapter, पिछले chapter में, we looked at broad classification. हमने बड़ा classification देखा of living organism. Under the system, किसने propose किया था? किसने propose किया? R.H. Whittaker, 1969. बेटा जिस चीज की हिंदी नाम से लिखा जाता है, wherein का मतलब जिसमें, He suggested, उन्होंने सजेशन दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का। विस का मतलब समझते हो? अर्थात कह लो या बोल दो किसी बात को और गहराई में कहना, इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है विडिलेक्ट, 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 VIDELED, ठीक है, विडिलसेक्ट, विडिलसेक्ट, विडिलसेक्ट। लिखो मन भैया, आप अर्थात से काम चला लो। मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई एनिमल प्लांट। इन दिस चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम को, जिसे हम किंगडम प्लांटी भी कहते हैं। वी मस्ट स्ट्रेस, चलिए सब लोग तनाव लीजिए, वी मस्ट यहां पर ध्यान दें दैट हमारी सोच प्लांट किंगडम को लेकर हैज चेंज्ड ओवर टाइम। फंजाई या मेंबर ऑफ मोनेरा, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लूजीन, एल्गी, या प्रोटिस्टा, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैगेलेट, हैविंग सेल वॉल, हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड, अब बाहर निकाल दिया गया किंगडम प्लांटी से। लेकिन पुराना वाला क्लासिफिकेशन इनको एक किंगडम में रखता था। किसका क्लासिफिकेशन? लीनियस वाला। सो द साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, अब देखा जाए तो वो एल्गी नहीं है। इन दिस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोटेटो, जिम्नो, एनजीओ अंडर प्लांट। लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन। देखो ऊपर वो क्लासिफिकेशन जो दिखा रहा है आपको, वो दिखा भी किस तरह, देखो एनजीओस्पर्म का, तो एनजीओ डिटेल में है to understand, ताकि हम समझ सकें some of the concern मतलब पहलू, वो पहलू जो influence किए, influence मतलब प्रभावित किए classification system को। ugliest, बेटा किताब नीचे मेरे मुंह पे नहीं है, the ugliest system of classification, सबसे पहले कौन आया था? artificial, the ugliest system of classification used only gross मतलब मोटा, superficial ऊपरी, morphological character जैसे they were mainly based on vegetative character, मतलब root system, leaf के character, और on androecium structure या androecium की structure पर depend थे।
एंड रोशम की स्ट्रक्चर को लेकर क्लासिफाई करने वाले साइंटिस्ट का नाम काउनियस माननीय लीनियस सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल दे सेपरेटेड ड्रॉबैक्स अंडरलाइन दे सेपरेटेड ऊपर छोटा सा लिखो ड्रॉबैक एक नंबर डालो दे के ऊपर ड्रॉबैक एक नंबर दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज क्योंकि इन्होंने कैरेक्टर लिए थे बहुत ज्यादा बहुत कम ये तो कैरेक्टर है ऑल्सो के ऊपर दो लिखो दो नंबर ऑल्सो के ऊपर दो नंबर ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों को बराबर मत तो दिया देना सही था किससे ज्यादा देना चाहिए सेक्सुअल अच्छा कहता दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि हमें पता है वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट एज अगेंस्ट दिस इसके विरुद्ध जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो एक आ गया था कि सारे बोलते पीछे वालों मर जाते हो क्या अब बोल लो सारे एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो डेवलप हुआ वो नेचुरल एफिनिटी देखता था एमंग ऑर्गेनिज्म और कंसीडर करता था नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर से बाहरी नहीं इंटरनल भी जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनाटॉमी एम्ब्रायोलॉजी फाइटोकेमिस्ट्री सब फ्लावरिंग प्लांट के लिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन होकर एट प्रेजेंट आज बेटा फाइलोजेनेटिक कुछ नहीं फाइलोजेनेटिक में इतना बोल दिया भाई नेचुरल वाला ये घुमा के रखे कि एक ग्रुप में रखे हो तो आपके एंसेस्टर क्या है सेम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिस एज्यूम ये मानता है कि ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन अब हम इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्स बहुत तरीके से टू हेल्प ताकि मदद मिले टू रिजॉल्व ताकि सॉल्व हो पाए हमारी जो मुश्किलात आ रही है क्लासिफिकेशन में क्या ह्यूमन इतना सोच पाएगा कि 1000 कैरेक्टर कम करेंगे तो ऑर्गेनिज्म कैसा हो सकता है नहीं ये थोड़ा जरूरत से ज्यादा हो गया आइए अंडरलाइन दीज बिकम मोर इंपॉर्टेंट जब आपका फॉसिल एविडेंस आपके पास नहीं है सबसे पहला न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज नाउ इजली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जितने कैरेक्टर हैं सब देखेंगे इसमें नंबर एंड कोड आर असाइन प्रदान करना दिए जाते हैं टू ऑल कैरेक्टर एंड देन द डाटा आर प्रोसेस और उसके बाद डाटा को प्रोसेस करना समझते हो इंटर करेंगे तो डाटा को मैच करेगा वही प्रोसेसिंग इन दिस वे प्रत्येक कैरेक्टर को हम बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर हजार कैरेक्टर एक समय पर कैरेक्टर लेंगे साइटोटैक्सोनॉमी अब आपके मन में एक चीज आ रहा होगा कि सर प्रत्येक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो और वहां पर आपने कहा था सेक्सुअल कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस क्या करनी है ज्यादा देनी है बेटा कंप्यूटर है वो उस चीज को रिगार्ड करके चलता है वो आपको रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी अलग दिखाएगा वेजिटेटिव सिमिलैरिटी अलग दिखाएगा समझ पाए हमारी बात आपका कॉलम होगा कि आप क्या देखना चाहते हो रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी तो आप क्या चूज करोगे रिप्रोडक्टिव वो तो कंप्यूटर है उसे क्या पता उसे तो डाटा मैच करना है वो बता देगा रिप्रोडक्टिवली इतने परसेंट सिमिलर है और वेजिटेटिव इतने परसेंट अब वो तुम्हारी इच्छा है तुम कौन सा देखते हो तो इसमें भी प्रत्येक कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस तो इक्वल मिल रही है लेकिन आप किसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो वो आप जानो ना अगला और हजारों कैरेक्टर टन से आप एनालाइज कर लोगे साइटोटैक्सोनॉमी सम अप नसी ना से नंबर सा से स्ट्रक्चर वा से बिहेवियर कीमोटैक्सोनॉमी केमिकल कंस्टिट्यूएंट यूज करते हैं हम प्लांट का देखते हैं टू रिजॉल्व कंफ्यूजन ताकि कंफ्यूजन दूर हो और ये यूज करते हैं आज की टैक्सोनॉमिस ब्रायो जिनो एंड एनजीओ सुनो एक चीज ड्रॉ कर रहा हूं बस उसे देखिएगा मुझे वक्त बताइए एग्जैक्ट 10 o'clock एग्जैक्ट 10 o'clock हो रहा है 2 minutes, 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 2 minutes,
एक बड़ी सुंदर बात लिख रहा हूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सुनना बच्चों, बड़ी सुंदर बात है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को पांच रूप में बांटा था मोरेना मुनीर।
सिस्टर पंजाय प्लांट और एनिमल कौन सा फल प्लांट को टोटल कितने पार्ट या पांच। अब हमारी जो बच्चियां बैठी हैं पैकेट पकड़ने में बहुत तेज है, वो तुरंत कहेंगे अच्छा तो प्लांट को इसलिए पांच रूम में धन्यवाद।